ग्रेविटी धीरे 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 कम होती जा रही है। कल गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, आज बैंक खुल रहे हैं, एटीएम में भी सुधार आएगा और जो हमने कैश लिमिट को बढ़ाया उसके कारण जो बिजनेस की एक्टिविटी में थोड़ी बहुत स्टैग्नेशन आया था उसमें भी सुधार आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। लोगों को क्या लग रहा है कि पता नहीं क्या स्थिति हो रही, इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार एटीएम में अभी देखिए कैलिब्रेशन की समस्या थी, क्योंकि पहले 1000, 500, 100 और छोटे वाले नोटों का ही कैलिब्रेशन, चार ही सांचे थे ना, अब उसमें ये जो नए नोट आए हैं उनका साइज और उसकी फर्क आने से कैलिब्रेशन में समय लग रहा है ना, वो ही एक थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी आपका एटीएम जैसे ही रेगुलर होंगे पब्लिक एकदम आराम से आ जाएगी। बैंकों में आप देखिए क्या है, उनको मैं यही कह रहा हूँ, उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक में जैसे आरबीआई ने भी कल रिक्वेस्ट की कि पैसा ले जा करके आप बैंक घर में मत रखें, आप उसको वापस जनरेट करें बाजार में लाएं, और पब्लिक समझ रही है कि अपन रख लेते हैं अभी 2000, पता नहीं आगे क्या, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होने वाला है। जितना इस डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी में सुधार होगा, आपने देखा होगा सिंगापुर किस स्थिति में था और किस स्थिति में पहुंच गया। एक नंबर का बिजनेस होने से कंट्री को भी फायदा है, नागरिकों को भी फायदा है, जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनका तो मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है।